कोटा से खबर है, अभिभाषक परिषद की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमको इस प्रतिष्ठा को कायम रखना चाहिए। सरकार आती है, सरकार बदलती है, लेकिन सामान्य बात में एक बात कहता है कि अगर आप मेरा काम नहीं करेंगे तो कानून का दरवाजा खोलूंगा, कोर्ट में जाऊंगा। और वो इस अपेक्षा के साथ आता है कि मुझे कहीं न्याय मिला न मिला, लेकिन अदालत में जाऊंगा तो मुझे न्याय जरूर मिलेगा। यह विश्वास भरोसा उसका आज भी है, और इसलिए हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बात हम कहते हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। और इस व्यवस्था को हम जितना कायम रखेंगे उतनी सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक व्यवस्था हम चलाएंगे। आज हम सबको गर्व है कि इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर जनता ने कई सत्ताओं को परिवर्तन किया, कई सत्ताएं बनाई और सही रूप से सत्ता का हस्तांतरण हुआ। यह हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आज भी है। भारत के संविधान में आवश्यकता अनुसार संविधान में परिवर्तन किए, लेकिन आज भी हमारा संविधान मार्गदर्शक है, जीवंत है और लोगों को सार्वभौमिक अधिकार देता है। और मेरा मानना है उसमें भी सबसे बड़ा योगदान है तो देश के एडवोकेट का है, जिन्होंने जब संविधान बनाया तो संविधान में मूल में जनता को रखा। संविधान निर्माताओं की डिबेट को मैंने जब देखा, चर्चाओं को देखा, तो देखा कि हर प्रोज पर एक लंबी चर्चा हुई, एक लंबी डिबेट हुई और लंबी डिबेट और चर्चा के बाद संविधान बना। आवश्यकता अनुसार परिस्थितियों में परिवर्तन जरूर हुआ, लेकिन आज भी हमारी संविधान की मूल भावनाओं को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और यही कारण है कि आज भी भारत के लोकतंत्र की ताकत जनता के पास है, और इसीलिए आपको न्यायिक समीक्षा के साथ आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक सामान्य व्यक्ति भी, गरीब से गरीब व्यक्ति भी, आप उसको न्याय दिलाने का काम करें। ये बात सही है कि सरकारों ने समय समय पर न्यायिक काम सरल हो, सरलता हो, आम आदमी को ठीक से